हाँ जी दोस्तों, तो हमारे पास अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 1328। सो 32वां सेक्शन है जो कि बात करेगा एनएफआरए के बारे में, जो कि है हमारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। अब बेसिकली ये क्या अथॉरिटी है, तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एक नई अथॉरिटी। इसकी जगह पे पहले हुआ करता था हमारा एनएसीएएस, नकास जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, चलिए अब ये बेसिकली है क्या एनएफआरए, या फिर जो पहले नकास हुआ करता था, इनका क्या काम होता है। तो ये एक सिंपली कह लो कि अथॉरिटीज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका काम ये होता है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रिगार्ड में अगर कुछ भी चीजें देख रेख करनी है, सारा कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ऑब्वियसली आपको पता है कि ये क्रिएट करना, ड्राफ्ट करने का काम, रिकमेंड करने का काम होता है आईसीआई का। पर जब आईसीआई इसको रिकमेंड करती है, तो उसके बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट और आईसीआई के बीच में आता है हमारा एनएफआरए, जिसका काम होता है कि उस रिकमेंडेशन का एग्जामिनेशन करे, मतलब उसको प्रॉपरली चेक वगैरह करे, और अगर सही लगता है तो उसको फिर आगे फर्दर रिकमेंड कर दे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जिस पे अप्रूवल दे देनी चाहिए, इसमें सब कुछ ठीक है। तो इस तरीके की एक बीच में अथॉरिटी क्रिएट की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो इन सभी चीजों को सही से मॉनिटर कर सके, किसी के अंदर कोई दिक्कतें हो तो उसकी रिपोर्टिंग वो कर सके। इवन दो इनके पास सिविल कोर्ट जैसी पावर भी होती है कि उसके बिहाफ पे ये समन वगैरह टाइप की चीजें भी कर सकते हैं, सजा वगैरह सुनानी हो तो वो भी सुना सकते हैं। ठीक है ना, इनका एक और काम होता है साथ में क्या, कि जैसे कि आपने देखा पूरे एक्ट के अंदर हर जगह जो नजर रखी जा रही है वो रखी जा रही है कंपनीज के ऊपर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर, बट ये जो एनएफआरए है ये साथ ही में नजर रखता है हमारे ऑडिटर्स के ऊपर भी, कि वो जो है वो सही से अपना काम कर रहे नहीं कर रहे, और अगर उस जगहों पे भी इनको कुछ मिसहैपनिंग दिखती है तो ये उनको भी सजा देने के लिए, मतलब उनको बेसिकली पेनल्टी होता है, और जो उनकी प्रैक्टिस है उसको उनको डिबार किया जा सकता है 6 महीने से लेकर 10 साल तक के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की पावर है कि सीए को भी, मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके कामों को भी चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एनएफआरए के पास। ठीक है, चलिए अब एक चीज और क्लैरिफाई करूं जरा मैं यहाँ पे। अभी इसे लेके आप कह लो कि तीन जो आपके पास पार्ट आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे कि इस वाले पार्ट को हम 132 भी कवर करेंगे और 133 भी कवर करेंगे, जो कुछ नहीं है 133, तीन चार लाइन का ही हमारा टोटल सेक्शन है, बट ये एक पार्ट अपने आप में ठीक ठाक साइज का बड़ा होगा। इसका अगला जो पार्ट आएगा 134 का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट्स, वो भी अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है। और उसके बाद जो अगला सेक्शन आएगा सेक्शन नंबर 135, जो कि बात करेगा सीएसआर के ऊपर, वो भी अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि तीन ये सेक्शन ऐसे आने वाले हैं जो तीनों के तीनों अत्यधिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपैरेटिवली लेंदी है अगर मैं स्किप करके ना चलू तो ये लेंदी है, लेंदी रहेगा, उसमें कुछ नहीं करने वाले अपन। कंपैरेटिवली और जो आपको वीडियोस आपने देखी होंगी उसके मुकाबले थोड़ा सा ये बड़ा होगा, बट कॉन्सेप्ट सारे होंगे, कुछ भी इसमें छूटा नहीं जाएगा, सारी चीजें डिटेल में कवर की जाएगी आराम आराम से। ठीक है ना, बस ये है कि थोड़ा सा लेंदी होगा, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सेक्शन ही लंबा है, तो किसी की कोई गलती इसके अंदर बनती नहीं है। चलिए तो बात करते हैं एनएफआरए के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है क्या, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन क्या करा है, उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है किसको, एनएफआरए को। काहे के लिए, क्यों कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ताकि वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के रिलेटेड में जो भी मैटर है उन पे वो नजर रख सके, उन पे वो अपना कार्रवाई कर सके कि भैया क्या करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत है, इन चीजों को वो मेंटेन करके चले। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है एक अथॉरिटी जिसका नाम है हमारा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नाउ एनएफआरए क्या कर सकता है, तो ये कह रहा है कि एनएफआरए शेल, सबसे पहला पॉइंट आ रहा है, मेक रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा किस रिगार्ड में, कि भैया फॉर्मुलेशन की जरूरत है किस चीज की, अकाउंटिंग की या फिर ऑडिटिंग की पॉलिसीज वगैरह की, मतलब कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की अगर कोई पॉलिसीज वगैरह क्रिएट करने की जरूरत है, उसके रिगार्डिंग में कोई भी फॉर्मुलेशन एक्टिविटी करनी है, उसकी अडॉप्शन के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं, तो उसके लिए वो रिकमेंडेशन दे सकता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग उस चीजों को समझते हुए अपना अप्रूवल देगी। साथ ही में इसका काम है कि मॉनिटर करना किस चीज को, कि प्रॉपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और जो हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो कि आपने अपने अकाउंट्स और ऑडिट के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा होपफुली, तो उन सारे स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सभी कंपनियों के द्वारा, जिन जिन के ऊपर ये प्रिस्क्राइब्ड होता है, मतलब जिन जिन के ऊपर ये लगता है स्टैंडर्ड्स, वो इसका प्रॉपरली कंप्लायंस कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज को मॉनिटर करने का काम भी हमारे एनएफआरए के पास आता है। फिर बात आती है कि जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को
चेक करना, मतलब देखते रहना कि जो उनकी सर्विस है, मतलब जो ऑडिटर की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है ऑडिटर के द्वारा, वो प्रॉपरली दी जा रही है कि नहीं जा रही है, और उसके अंदर अगर कोई इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी सजेस्ट करना कि भैया इस तरीके की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, यहां यहां पे कमी है जिसको कि ठीक किया जा सकता है। तो उस चीजों के ऊपर भी नजर रखता है हमारा NFRA। फिर कहता है कि और कुछ अदर फंक्शंस जो भी होंगे रिलेटेड टू, जो हमने 3 पॉइंट पढ़े यहाँ पे, मतलब जो ए पॉइंट था हमारा जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी जा रही थी, बी पॉइंट था जहाँ पे कंप्लायंस देखा जा रहा था, और सी पॉइंट था जहाँ पे सर्विस की क्वालिटी देखी जा रही थी, तो इनसे रिलेटेड भी अगर कोई अदर फंक्शंस होते हैं तो उसको भी परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा, NFRA के द्वारा। फिर बात करते हैं, अब ये जो यहाँ पे ना एक समराइज वे में आ रहा है, फिर इसको ना पार्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिसके अंदर थोड़ी सी रिपीटेशन भी होगी, बट अब मॉड्यूल के अंदर जिस मैनर में हम उसी मैनर में लेके चल रहे हैं, बट इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ चीजें रिपीटेड भी आएंगी, आपका कोई नुकसान नहीं है, रिपीटेडली सुन लोगे तो वो आपके दिमाग में और सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि NFRA के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में NFRA के अंदर एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा जो कि एक जाना माना व्यक्ति होना चाहिए और उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए। किन चीजों की? चार बातें बताई गई है, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, फाइनेंस एंड लॉ। तो बेसिकली जो चीजें आप पढ़ते हो इन चीजों की उसके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और उसको अपॉइंट करेगा कौन? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। उसी के साथ में मेंबर्स को भी अपॉइंट किया जाएगा जो कि हमारे 15 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट है कि कितने मेंबर्स अलॉन्ग विद चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाएंगे। तो चेयरपर्सन तो इकलौता ही होगा, मेंबर्स जो हो सकते हैं वो अपॉइंट किए जा सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 15। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब जो इनके अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, जो भी चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है, इनके रिगार्डिंग जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे वो भी प्रिस्क्राइब कौन करेगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। की जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशन रखने की जरूरत है वो प्रिस्क्राइब किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बाद फिर कहा जाता है क्या कि अगर ये जो मेंबर्स हैं या फिर जो ये चेयरपर्सन है, अगर इनको लगता है कि इनके इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई खतरा है, मतलब कि इनसे कोई भी काम करवाया जा रहा है जिसमें कि इनकी इंडिपेंडेंस साबित नहीं हो रही, किसी के दबाव में आके कोई काम कर रहे हैं, या कोई भी कंफ्लिक्ट वगैरह हो, तो उसके लिए भी अगर इनको कुछ अपील करना हो, कोई डिक्लेरेशन फाइल करनी हो, तो वो फाइल भी ये कर सकते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं ये बेसिकली सीधा सीधा काम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो इनको जो भी दिक्कतें होंगी उसके लिए सीधे चर्चा किससे करेंगे? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके करेंगे। ठीक है जी। फिर एक चीज और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात बताई गई, क्या कि NFRA के अंदर अगर किसी भी मेंबर या चेयरपर्सन को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रखा गया है, मतलब कि वो फुल टाइम NFRA का ही काम करते हैं, NFRA के चेयरपर्सन है या फिर NFRA के मेंबर हैं, तो वैसे व्यक्ति किसी और ऑडिट फर्म के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं कि NFRA में भी काम कर रहे हो और साथ में आप किसी और फर्म के साथ भी काम कर रहे हो। अब कब काम नहीं कर सकते? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप जॉब में हो, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट हो, तो उस टाइम में तो आप नहीं ही कर सकते हो। अलॉन्ग विद, आप एक बार आपकी अपॉइंटमेंट खत्म हो गई, मतलब आपने रिजाइन कर दिया, या आपकी एक्सपायर, मतलब डेट, जो डेट थी आपकी रिजिग्नेशन की या रिटायरमेंट की, वो आ गई, एज द केस में भी किसी भी रीजन से आपका अब सीजेस टू अपॉइंटमेंट है, मतलब अपॉइंटमेंट आपकी खत्म हो गई है, अब आप NFRA में काम नहीं करते हो, उसके बाद के भी 2 साल तक आप किसी भी ऑडिट फर्म को ज्वाइन नहीं करोगे। मतलब कि जब आप कर रहे हो तब तो ऑब्वियसली साथ में एसोसिएट नहीं होना, बट अलॉन्ग विद दैट आफ्टर 2 ईयर्स आफ्टर सीजिंग टू होल्ड सच अपॉइंटमेंट आप नहीं जुड़ सकते किसी भी ऑडिट फर्म के साथ जो कि कोई भी कंसल्टेंसी वगैरह का काम करती है। ठीक है जी। तो ये एक और बंदिश आई किसके ऊपर? चेयरपर्सन और मेंबर्स के ऊपर। फिर कहा गया क्या कि NFRA के पास क्या क्या पावर है? तो पावर है उसके पास इन्वेस्टिगेशन का। किस चीज का इन्वेस्टिगेशन? तो आपको पता है कि जो भी हमारे मेंबर्स वगैरह होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली काम करते हो चाहे वो फर्म में काम करते हो, मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो सीए होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, उनके पास जो मेंबरशिप होती है ICAI की, मेंबरशिप प्रैक्टिस की मेंबरशिप होती है, उसके तहत जो वो मेंबरशिप वगैरह कर रहे होते हैं, ऑडिट वगैरह कर रहे होते हैं, तो NFRA के पास ये पावर है कि उनके ऑडिटिंग वगैरह के जो प्रोसेस है, उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, जिसके भी वो ऑडिटर वगैरह है, उनको वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है इस एक्ट, मतलब इस सेक्शन के द्वारा। उनके पास ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगी? तो नंबर वन, तो वो सुओ मोटो भी कर सकती है। सुओ मोटो का मतलब कि उन्हें अगर खुद से ऐसा लगता है कि हाँ जी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए इस मेंबर की या इस फॉर्म की, तो वो किया जा सकता है। नंबर टू, अगर उनके पास कोई रेफरेंस आता है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया इनकी इन्वेस्टिगेशन आप चालू करो, तो उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग भी वो इन्वेस्टिगेशन करने का पावर रखती है। ठीक है जी। फिर कहा गया जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया जाएगा, ये उन्हीं चार्टर्ड अकाउंटेंट से किया जाएगा ऑब्वियसली जो कि रजिस्टर्ड है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में। तो ऑब्वियसली बात है सीएज वही होंगे जो वहां पे रजिस्टर्ड होंगे। फिर एक चीज और प्रोवाइडेड में क्या है कि एक बार अगर NFRA आ गया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो आपको पता है कि कोई भी अगर मिसकंडक्ट वगैरह होता है, ये बेसिकली इन्वेस्टिगेशन वगैरह क्यों की जाती है? जब वो प्रोफेशनल बंदे ने कोई मिसकंडक्ट करा हो, कोई धोखाधड़ी करी है, कुछ इस टाइप की एक्टिविटी करी है,
तो अगर ऐसी कोई मिसकंडक्ट हुई है तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अगर अभी पता होगा, मैं उसको भी फाइनल में जाके पढ़ोगे कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी उसके ऊपर ना कार्रवाई शुरू करता है। अगर कोई मिसकंडक्ट पाया जाता है तो उसके ऊपर जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो भी इनिशिएट करता है कुछ प्रोसीडिंग्स वगैरह, जिसके तहत वो छानबीन वगैरह करके देखता है कि भैया मेंबर की कहाँ का गलती है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर जो भी मतलब पनिशमेंट वगैरह लगाना चाहे वो लगा सकता है। तो यहां क्या कहा जा रहा है कि अगर एनएफआरए ने एक बार प्रोसीडिंग शुरू कर दी है इन्वेस्टिगेशन वगैरह की, तो कोई भी इंस्टीट्यूट ना ही इनिशिएट करेगा कोई और प्रोसीडिंग उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के अगेंस्ट। अलोंग विद दैट, अगर पहले से कोई प्रोसीडिंग सपोज चल रही थी किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उसको भी उस टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। मतलब ना ही कोई जो भी प्रोसीडिंग है ना ही कोई उसको इनिशिएट कर सकता है, और ना ही कोई उसको कंटिन्यू कर सकता है अगर वो पहले से भी चल रही थी, अगर एक बार प्रोसीडिंग शुरू हो गई है किसके द्वारा, एनएफआर के द्वारा। फिर ये सोलली है कि ये सोलली यही इन्वेस्टिगेशन करेगा ना। फिर एक चीज मैंने आपको पीछे क्लैरिफाई किया था क्या, कि इनके पास सेम पावर होते हैं जैसे कि पावर होते हैं सिविल कोर्ट के पास, उस तरीके के ही पावर इनको भी प्रोवाइड किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके अंदर ये क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, उसकी डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन करवा सकते हैं। मतलब कि अगर इनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट देखनी है, छानबीन करनी है, तो ये इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ऐसा इनके पास पावर है। ये किसी भी व्यक्ति को समन भेज सकते हैं, मतलब उनको बोल सकते हैं कि भैया आओ और हमसे आके मिलो इस नोटिस के तहत, और इन इन बातों का जवाब देके जाओ। तो इस टाइप की जो समन नोटिस भेजने की पावर होती है वो भी एनएफआरए के पास है। फिर इंस्पेक्शन करना कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह का, वो इंस्पेक्शन वगैरह भी किया जा सकता है इनके द्वारा। और इश्यूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब विटनेस या डॉक्यूमेंट्स वगैरह की एग्जामिनेशन वगैरह करना है, तो उसके लिए भी कमीशन वगैरह इश्यू कर सकते हैं ना। अगर एक बार मिसकंडक्ट आपका पाया गया, मतलब कि अगर ये प्रूव हो गया कि हाँ भैया आप थे इसके अंदर, जो भी हमारा सीए मेंबर है वो इस मिसकंडक्ट में पाए गए कि हाँ भैया उनका पूरा पूरा हाथ है, तो क्या पावर है एनएफआरए के पास। तो एनएफआरए के पास पावर है कि वो पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी कितनी लगा सकता है, 1 लाख रुपए की मिनिमम पेनल्टी, और मैक्सिमम कि जो भी आपने झोल किया वहां से, जो भी आपने फीस कमाई होगी, ऑब्वियसली बात है कि आपने अगर कुछ मिसकंडक्ट किया है तो लालच में ही किया होगा, उसकी भी आपको कोई ना कोई फीस मिली होगी, तो वो जो फीस मिली उसका 5 गुना, मतलब मिनिमम 1 लाख, और वो जो फीस मिली उसका 5 गुना तक की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई सकती है। अगर आप इंडिविजुअल मेंबर हो, मतलब इंडिविजुअल कैपेसिटी में प्रैक्टिस करते हो, इंडिविजुअल सीए हो तो, और अगर आपके सीए की एक फर्म है जिसके अंदर कई सारे मेंबर्स मिलकर काम करते हैं, तो उस सिनेरियो में अगर उस फर्म ने मिसकंडक्ट किया है और वो पाया गया कि उसने मिसकंडक्ट किया है एनएफआरए के द्वारा, तो उस केस में जो मिनिमम पेनल्टी होगी वो होगी 5 लाख रुपए, और जो मैक्सिमम एक्सटेंड की जा सकती है वो की जा सकती है कि जितना भी आपने फीस कमाया होगा उसका 10 टाइम्स, मतलब उसके 10 गुना, ठीक है, इन केस ऑफ फॉर्म। अच्छा, ये तो हो गई आपको फाइनेंशियल पेनल्टी लगना। इसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिसिंग मेंबर है उसको डिबार किया जा सकता है कि भैया तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, और ये जो डिबार किया जाएगा कहीं ना कहीं उसको सस्पेंड किया जाएगा एक तरीके से कि आप इतने दिनों के लिए, इतने महीनों के लिए प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो है मिनिमम 6 मंथ, मतलब कि जो आपको डिबार किया जाएगा प्रैक्टिस से वो किया जाएगा मिनिमम 6 महीने के लिए, और उसको मैक्सिमम बढ़ा के कर दिया जा सकता है 10 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना बड़ा कांड किया है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि मिनिमम आपको जो डिबार किया जाए प्रैक्टिस से वो किया जाए 6 महीने के लिए, या फिर मैक्सिमम 10 साल के लिए। तो ये भी पावर किसके पास आती है, डिसीजन की, एनएफआरए के पास ना। उसके बाद बात आती है कि भैया यहाँ पे लिखा गया प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो इसका मतलब वही होता है जो कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सीए एक्ट 1949 है उसके सेक्शन 22 में लिखा हुआ है कि आप ये काम नहीं करोगे, और अगर ऐसे 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 काम करते हो तो वो माना जाएगा कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। तो वही चीज, वही मीनिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है कि अगर जो काम आपको मना किया गया था, ऑब्वियसली बात है आप सीए बने, आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिला, और प्रैक्टिस करने जा रहे हो, और आपको इंस्टीट्यूट ने कहा कि बेटा ये काम नहीं करना, और आप वही काम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है कि मिसकंडक्ट में आप आओगे, तो वही मिसकंडक्ट का कॉपी पेस्ट चलता है हमारे इस एक्ट के अंदर भी। फिर क्या हुआ उसके साथ साथ, अब एनएफआरए हमारी एक अथॉरिटी बनाई गई, वो अथॉरिटी काम प्रॉपरली कर पाए, अच्छे से वो स्मूथ तरीके से काम कर पाए, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बनाए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रूल्स, मतलब एनएफआरए रूल्स भी बनाए गए, जिसके अंदर एनएफआरए की बेसिक स्ट्रक्चर चीजों को गवर्न किया गया उन रूल के द्वारा, जो कि 2018 में आपका आया था। अच्छा जी, अब ये क्या कहता है, तो जो एनएफआरए रूल्स हैं वो बेसिकली वही आपको पावर देते हैं किस चीज की, कि आप मॉनिटर कर सकते हो कि भैया प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। आप चेक कर सकते हो कि सर्विस की जो क्वालिटी जो प्रोवाइड की जा रही है वो प्रॉपरली दी जा रही है कि नहीं जा रही। आपको कोई अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है तो इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हो, किन की, उन सभी ऑडिटर्स की जो इन क्लास ऑफ कंपनीज के ऑडिटर हैं। अब वो बताया गया क्या कि आप ये सारी हरकतें कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो उन सभी ऑडिटर्स का, किन ऑडिटर्स का, जो कि
इस क्लासेस के अंदर कवर होते हैं। किस क्लास के अंदर? कि भैया अगर कोई ऑडिटर है किसी ऐसी कंपनी का जो कि कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो, तो वैसी ऑडिटर क्या है जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह है वो कंडक्ट करवा सकती है हमारा एनएफआरए। दूसरी बात आती है कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात करें तो उनका अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 5 करोड़ रुपीज या उससे ज्यादा है, मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना या उससे ज्यादा है, या फिर उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 1000 करोड़ रुपीज या फिर उससे ज्यादा है, या फिर जो उनके एग्रीगेट कर ले अगर हम जो भी आउटस्टैंडिंग लोन्स वगैरह हैं, डिबेंचर्स वगैरह हैं, डिपॉजिट्स वगैरह हैं, तो इन सबको मिला के जो उनके ऊपर उधारी है वो कम से कम 500 करोड़ रुपीज या फिर उससे ज्यादा है। तो इन सिनेरियो में से अगर कोई भी कंडीशन फॉल होता है और ऐसी कंपनी का अगर कोई ऑडिटर है तो उस ऑडिटर की सारी चीजों के ऊपर चेक करना, उनकी क्वालिटी सर्विस देखना और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की पावर रखता है कौन? हमारा एनएफआरए। फिर बात आती है कि कोई ऑडिटर है किसका? इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन जनरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है उस टाइप की कंपनी, या फिर कोई और कंपनी जो कि किसी भी स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है, तो उन कंपनीज के ऑडिटर की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर भी रखता है कौन? हमारा एनएफआरए। फिर बात आती है क्या कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ऐसा बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कि कहा जाए कि भैया कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, अभी कोई क्लास है बॉडी कॉर्पोरेट का और उसको कहा गया कि भैया इनको भी इन व्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की पावर दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वैसे बॉडी कॉर्पोरेट के भी ऑडिटर्स को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सभी कवर हो गए, कहीं ना कहीं सभी कवर हो गए। तो कोई ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर दे कि भैया ऐसी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो है उनके भी ऑडिटर्स की इन्वेस्टिगेशन की पावर है एनएफआरए रूल्स के अंदर, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, उनकी क्वालिटी ऑफ सर्विस को भी चेक किया जा सकता है कि उनका काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, फिर बात आती है क्या कि अगर सपोज करो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो इनकॉर्पोरेट है, मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन है या फिर रजिस्ट्रेशन है वो है आउटसाइड इंडिया, और वो जो है वो सब्सिडरी है या एसोसिएट है किसी ऐसी कंपनी की जो कि इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड है इंडिया में, मतलब कि होल्डिंग कंपनी जो है वो है इंडिया में और जो सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी है वो है हमारी आउटसाइड इंडिया, मतलब कहीं भी फॉरेन में, ठीक है जी। और उसमें जो हमारी सब्सिडरी कंपनी है उसका जो इनकम है या नेटवर्थ है वो एक्सीड करता है 20% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम से, किसका? हमारी होल्डिंग कंपनी से। मतलब कि सब्सिडरी कंपनी जो भी है उसकी जो इनकम या नेटवर्थ है वो कितनी है? 20% या उससे ज्यादा। किसका 20%? जो होल्डिंग कंपनी होगी उसकी नेटवर्थ या उसकी इनकम से। तो उस सिनेरियो में वैसी कंपनी के ऑडिटर को भी इन्वेस्टिगेशन में लाया जा सकता है एनएफआरए के द्वारा। फिर एक चीज और क्या कवर किया गया कि एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन जो कि रूल्स में कवर हो गया, ऊपर आपने देखा कि इन 5 पॉइंट के अंदर बहुत सारी टाइप की कंपनीज कवर कर दी गई। फिर कहा गया कि इसके अलावा भी अगर कोई कंपनी बच जाती है तो उनको भी इन्फॉर्म करना है एनएफआरए को 30 दिनों के अंदर अंदर। कहां से 30 दिन देखेंगे? जिस दिन ये रूल आ गया, एनएफआरए का रूल जैसे ही आया, रूल आने के 30 दिनों के अंदर अंदर सभी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एनएफआरए को इन एनएफआरए फॉर्म नंबर है NFRA 1, मतलब जो फॉर्म है इसका इंटीमेशन का वो है हमारा फॉर्म NFRA 1, और उसके तहत आपको जो भी आपके ऑडिटर्स हैं उनके सारे पर्टिकुलर्स वगैरह जो हैं वो बताने होंगे अथॉरिटी को, ठीक है। तो क्या कहा गया कि ऊपर जो कंपनीज है वो तो आई गई, कवर हो भी गई, उसके अलावा भी अगर कोई कंपनी बच गई है तो उनको भी इन्फॉर्म करना है 30 दिनों के, मतलब एवरी एग्जिस्टिंग बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड बाय दीज रूल्स, जो गवर्न्ड है वो तो है ही, उसके अलावा जो भी है उनको इन्फॉर्म करना होगा 30 दिनों के अंदर अंदर अथॉरिटी को कि क्या उनके ऑडिटर्स की पर्टिकुलर्स वगैरह है। नाउ फिर क्या कहा जा रहा है यहां पे, अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन अ कंपनी गवर्न्ड अंडर एनएफआरए रूल्स शैल कंटिन्यू टू बी गवर्न्ड बाय एनएफआरए फॉर अ पीरियड फॉर 3 ईयर्स आफ्टर इट सीजेस। मतलब क्या हुआ कि अभी आपने जो क्राइटेरियाज देखे, सपोज करो उसका क्राइटेरिया जो फुलफिल करता था, जो भी क्राइटेरिया था उनका पेड अप का या टर्नओवर का व्हाटएवर, वो क्राइटेरिया अब फुलफिल नहीं करता, और फुलफिल नहीं किए हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है, मतलब पहले उनके टर्नओवर ज्यादा थे अब टर्नओवर कम हो गए जिसकी वजह से वो एनएफआरए रूल्स के अंदर कवर नहीं होते, और ये हुए सिर्फ एक ही साल हुआ है तो भी उनके ऊपर एनएफआरए रूल्स गवर्न होते हैं। मतलब कि एक बार आपका जो थ्रेशोल्ड है वो आपका बच गया, मतलब थ्रेशोल्ड के अंदर आप नहीं आ रहे, लेकिन वैसे हुए अभी सिर्फ 3 ही साल हुए, तो 3 साल तक भी आपके ऊपर एनएफआरए का रूल्स जो है वो गवर्न करेंगे। 3 साल खत्म होने के बाद आप एनएफआरए से कहीं ना कहीं मुक्त हो जाओगे। तो कहने का मतलब क्या है कि एक बार आपकी जो थ्रेशोल्ड वगैरह जिसके अकॉर्डिंग आप एनएफआरए रूल्स में आते थे, अब वो थ्रेशोल्ड से आप बच गए हो, आपकी टर्नओवर कम हो गई है, आपका नेटवर्थ कम हो गया है, जो भी सिनेरियो है, तो उसके बाद भी
आप अगले 3 सालों तक एनएफआरए के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं और 3 साल के बाद ही आपको इससे मुक्ति मिलेगी। ओके, अगला फिर एरिया आता है हमारा किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रिकमेंडेशन का। मैंने आपको एक क्या बताया, एक जनरल सिनेरियो आपको एक पता होना चाहिए क्या कि आईसीआई जो है वो रिकमेंड करता है क्या कि भैया ये हमारे ऑडिटिंग अकाउंट स्टैंडर्ड होने चाहिए, इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स की जरूरत है या फिर ये नए स्टैंडर्ड्स लाने की जरूरत है, इस टाइप के रिकमेंडेशन कौन करता है, आईसीआई करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है कि नहीं जी, पहले इसको चेक करेगा आपके रिकमेंडेशन की, एग्जामिनेशन कौन करेगा, एनएफआरए करेगा, और अगर उसको सब कुछ ठीक लगेगा तो वो फर्दर रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट उससे डिस्कस करते हुए उसकी रिकमेंडेशन को देखते हुए उसको अप्रूव करेगी। तो यही कहा जा रहा है कि कोई भी अगर मतलब एनएफआरए के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए एनएफआरए को क्या करना पड़ेगा, हमें आईसीआई को रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि भैया ये जो है नए एएस या एसए लाने की जरूरत है या फिर पुराने एएस या एसए में ये अमेंडमेंट्स की जरूरत है। तो इस ये रिकमेंडेशन किसको जाएगी, पहले एनएफआरए को, किसके द्वारा जाएगी, आईसीआई के पास। नाउ उसके बाद अब जो हमारा एनएफआरए है, जब उसको एग्जामिनेशन करना है किसका, जो भी आपने रिकमेंडेशन दिए चाहे नए एएस या एसए के रिगार्डिंग दी हो या फिर पुराने वाले के अंदर ही मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग दी हो, तो हो सकता है कि हमारे एनएफआरए को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट भी हो, तो वो आईसीआई से वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है एनएफआरए कि भैया ये आपने आपने मुझे दिया, इसके अलावा मुझे इन इन चीजों की और आवश्यकता है, वो भी आप मुझे दो ताकि मैं प्रॉपरली एग्जामिनेशन कर पाऊं, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा आईसीआई के द्वारा। ठीक है जी, उसके बाद जब एनएफआरए प्रॉपरली कंसिडर कर लेगा सारी रिकमेंडेशंस को जो कि पॉइंट नंबर ए में था और सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को जो कि पॉइंट नंबर बी में था, तो उसके बाद अगर लगेगा सब कुछ ठीक है तो वो फर्दर रिकमेंड करेगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किस चीज के लिए, अप्रूवल के लिए। ये वाली चीज जो भी कथा है दोबारा से एक बार रिपीट होगी जिसमें कि नकास का भी जिक्र आएगा। नाउ अगला एरिया यहां पे आता है पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर कंप्लायंस नहीं है तो उस केस में क्या पनिशमेंट होगी। तो कहा जा रहा है यहां पे क्या कि एनएफआरए रूल्स के अंदर अगर कोई भी कंप्लायंस वगैरह नहीं होती है तो जो भी लोग इनका कंप्लायंस नहीं करेंगे उनको पनिश किया जाएगा एज पर सेक्शन नंबर 450 ऑफ द एक्ट। अब 450 जो सेक्शन है, फिलहाल आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग जो भी पनिशमेंट्स वगैरह बताई गई हैं उन पनिशमेंट्स के अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट देगा कौन, हमारा एनएफआरए, उन सभी व्यक्ति को जो भी इसमें डिफॉल्टर होंगे। अभी इसके अंदर कौन कौन लोग हो सकते हैं, हमारी इसके अंदर कंपनी भी हो सकते हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी हो सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑडिटर भी हो सकता है जो कि इसके अंदर फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी के लिए बताई गई, कुछ उसके साथ साथ ऑब्वियसली ऑफिसर इन डिफॉल्ट लपेटे में आ जाएंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑडिटर्स के लिए बताई गई हैं। अगर कोई भी कॉन्ट्रावीन करता है इन प्रोविजंस के अंदर तो उसको सेक्शन नंबर 440 के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की जाएगी। फिर बात आती है यहाँ पे कि अगर कोई भी एनएफआरए के ऑर्डर से एग्रीव्ड फील करता है, उसको लगता है कि नहीं भैया मेरे साथ तो ज्यादा जाती हो गई, तो वो उसके पास एक मौका होता है क्या कि वो अपील कर सकता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, मतलब एटी के पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है कि जी ऐसा ऐसा एनएफआरए ने सजा सुना दी है, ऐसा ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ कुछ दिक्कतें हैं जिसको कि रिवाइज करना चाहिए, तो उस पर्पज से वो अपील कर सकता है किसके पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और अगर उसको सही लगता है तो उसको फर्दर रिवाइज करने की पावर होती है हमारे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। ओके, फिर बात आती है एनएफआरए की मीटिंग के अकॉर्डिंग। तो एनएफआरए जो अपनी मीटिंग्स वगैरह, जैसे एनएफआरए का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो आपने देखा कि एनएफआरए को मीटिंग्स वगैरह भी कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी, तो एनएफआरए जो है वो अपनी मीटिंग्स वगैरह कर सकती है कितनी बार भी, जितनी बार वो करना चाहे, किसी भी जगह पे कर सकती है जहां पे भी वो करना चाहे, मतलब वो अपने जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे भी कर सकती है और अदर देन एनी प्लेस भी किया जा सकता है, ऑब्वियसली विद इन इंडिया। फिर बात आती है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऊपर आपने देखा स्टार्टिंग में कि अपॉइंटमेंट किसकी की थी, अपॉइंटमेंट की थी उन्होंने चेयरमैन की और उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट की थी मैक्सिमम 15 मेंबर्स की। भैया इससे काम थोड़ा चलेगा, और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, और भी स्टाफ चाहिए, इतनी सारी कंपनी, इतने सारे ऑडिटर्स है, सबको मॉनिटर करना है, सब चीजों को देखना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और अपॉइंटमेंट भी कर सकता है, और किसका अपॉइंटमेंट कर सकता है, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है और इंप्लॉइज का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, ताकि जो परफॉर्मेंस है हमारी एनएफआरए के, जो भी फंक्शंस वगैरह उनको प्रोवाइड किए गए, जो जो उनको काम कहा गया करने के लिए, वो सारे एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीके से किया जा सके, तो उनको भी अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, और उनकी अपॉइंटमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, ऑब्वियसली वो भी प्रिस्क्राइब कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। हेड ऑफिस की बात करें तो एनएफआरए का हेड ऑफिस जो है वो कहां पर है, हमारा न्यू दिल्ली के अंदर, लेकिन ये जो मीटिंग्स वगैरह है वो न्यू दिल्ली में करना चाहे तो वहां भी कर सकते हैं, और किसी प्लेस में भी किया जा सकता है इंडिया के अंदर, जो भी एनएफआरए को ठीक लगेगा। नाउ
अब देखा आपने जैसे आईपीएफ देखा था आपने, याद होगा आपको पीछे आपने एक सेक्शन देखा था सेक्शन नंबर 125 जो कि बात करता था आईपीएफ के अंदर। आईपीएफ क्या था? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड, जिसको भी कॉन्स्टिट्यूट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, इसका मतलब क्या है कि वो मनमानी तो नहीं कर सकते, उनको कुछ पावर्स दी जाती है, उनको कहा जाता है कि आप पावर यूज करोगे लेकिन आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह भी मेंटेन करोगे, उसका ऑडिट भी करेगा कौन सी है जी, और जब उसका ऑडिट हो जाएगा तो आप अपना एनुअल रिपोर्ट अलॉन्ग विद दैट ऑडिट रिपोर्ट आप भेजोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ले डाउन करेगा कहां पे? बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर। तो वो सारी सेम फॉर्मेलिटी उठ के आती है इसके लिए भी, क्योंकि ये भी एक ऐसी अथॉरिटी जो बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो मनमानी यहां भी नहीं चलेगी। यहां भी कहा गया कि मेंटेन करना पड़ेगा आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी रिलेटेड होंगे, जो भी प्रिस्क्राइब किया जाएगा किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब करेगी कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है, तो ऑब्वियसली वो कंसल्ट किससे करेगी? सीएजी से, जो भी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उनसे कंसल्ट करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी कि इन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स की या फिर इन इन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है किसके ऊपर? एनएफआरए के ऊपर। अब जो भी ये रूल्स, जो भी अकाउंट्स वगैरह बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली किसके द्वारा बनाए जाएंगे? एनएफआरए के द्वारा। और उसको ऑडिट कौन करेगा? सीएजी। और ऑडिट होने के बाद उसको सालाना बेसिस पे, मतलब एनुअली बेसिस पे फॉरवर्ड किया जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसके द्वारा? एनएफआरए के द्वारा। मतलब एनएफआरए एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगी, उसका ऑडिट करेगा सीएजी और देगा ऑडिट रिपोर्ट। अब ये एनुअल रिपोर्ट प्लस ऑडिट रिपोर्ट, इन दोनों चीजों को कंपाइल करके हर साल भेजा जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कौन भेजेगी? एनएफआरए अथॉरिटी। नाउ आगे बात आती है क्या? द एनएफआरए शैल प्रिपेयर ईच फाइनेंशियल ईयर, मतलब एनएफआरए को हर साल ये जो प्रिपरेशन वगैरह है ये करनी है, और इसके साथ साथ उनको जो एनुअल रिपोर्ट्स होंगे वो कंपाइल करने हैं, उसका ऑडिट करेगा कौन? सीएजी को, और इसको फॉरवर्ड करना है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके बाद आता है सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज द एनुअल रिपोर्ट एंड द ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय द सीएजी टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब उनको हर एक पार्लियामेंट के अंदर उसको पेश करना पड़ेगा, उसकी अप्रूवल लेनी होगी, उसकी सारी जानकारी सभी लोगों को, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। तो ये तो कुछ ना कुछ एंड जो था वो आईपीएफ से रिलेटेड था। अब इसी के जस्ट सिमिलर है सेक्शन नंबर 133 जो कि बहुत ज्यादा छोटा है और लिंक्ड है, इसलिए इसको साथ में करने की सोच रहे हैं हम। तो क्या है बेसिकली ये पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है किस चीज को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। अभी आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करना होता है तो उसके लिए क्या चीजें होती है? जो भी नया होगा या फिर जो भी अमेंडमेंट्स होगी वो रिकमेंड किया जाता है किसको? रिकमेंड किया जाता है किसके द्वारा? आईसीएआई के द्वारा। और रिकमेंडेशन किसके पास जाती है? एनएफआरए के पास जाती है। एनएफआरए क्या करता है? उन सारे रिकमेंडेशन की एग्जामिनेशन करता है, और अगर उसको ठीक लगता है तो फिर वो फर्दर रिकमेंड कर देता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट उससे कंसल्ट करते हुए उसको अप्रूव कर देती है। तो ये आपने कहानी देखी है, वही बात इसके अंदर लिखी हुई है और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। फिर एक चीज और लास्ट पैराग्राफ में लिखा गया है कि जब तक हमारा एनएफआरए कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुआ था तब तक इस एनएफआरए की जगह पे जो काम करती थी वो कौन करती थी? नकास, NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पूरा रोल जो एनएफआरए का है वो किसका हुआ करता था? नकास का हुआ करता था। मतलब कि रिकमेंडेशन जो होती थी आईसीआई की वो जाती थी नकास के पास, नकास उसको प्रॉपरली एग्जामिन करता था, और उसके बाद अगर उसको सब कुछ ठीक लगता था तो वो आगे वो रिकमेंड करता था किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट नकास से कंसल्ट करते हुए उसको अप्रूव कर दिया करती थी। ठीक है जी, तो दिस इज सेक्शन नंबर 133 जो कि बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब कर सकती है, जैसे कि किया हुआ है। ठीक है जी, चलिए, दो सेक्शन थे, नॉर्मल साइज के थे, होपफुली आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 134 की।